In this video, we are going to analyze some bear patterns and trait कि कैसे bear या bull को देख के हम analyze करें and बचें अपने over excited traits लेने से पहले. तो इसमें हम यूज करने वाले हैं like this is भारतीय एयरटेल. तो आपको बहुत clearly सबसे पहले ये देखना है कि this is where bears entered. Bulls gave a good clues. Weak bulls tried to enter. Bearish pattern. अभी क्या है कि I'll mark this level. This is my why this level. क्योंकि ये था first attempt of bear to sell. अगले दिन bulls ऊपर चला गया. तो आप देखोगे उसके बाद. तो ये था bulls का attempt जिस level को बार बार hold किया गया. फाइनली दिस लेवल गॉट ब्रोकन दिस डे. अगेन बुल ट्राइड ऊपर ले जाने का फेल्ड. यहाँ पे गैप डाउन हुआ. अगेन बुल्स ट्राइड टू टेक इट अप फेल्ड. बियर्स ने फिर धोया. अब ये जोन बन गया. नेक्स्ट जोन इज दिस. अब ये काफ़ी अहम जोन है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको मैं दिखाता हूँ. द मोमेंट बियर्स टू कंट्रोल सेल ऑफ मैसेज सेल ऑफ आई डोंट नो विच वाई दिस वीक वॉज. बट उसके बाद आप कैंडल्स देखो. मारी बोजू एंड फ्रॉम दिस लेवल बियर्स टू एब्सोल्यूट कंट्रोल. प्राइस को एकदम धो गया एंड द प्राइस केम डाउन टू दिस लेवल. तो द थिंग इज कि बाय एनी चांस यहाँ तक तो कहीं से भी बोल्स का कंट्रोल नहीं है. ये बाउंस आया तो बाउंस इज यूजली आएगा ही. प्राइस अगर नीचे आया तो बाउंस आएगा ही. कहाँ तक ये बाउंस आया? इट केम अप टू 0.5% और वी कैन से 61.8%. अभी हमें टेम्प्ट इनफैक्ट आई विल ऑल्सो बी टेम्प्टेड कि अब बाय कर लेते हैं क्योंकि वी आर इन हैबिट टू कैच अर्ली मूव्स. हम प्रीएम्प्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो प्रीएम्प्ट करने का नतीजा यहाँ पे तो हमें काफ़ी अच्छा लगा. बट हमने ये इग्नोर कर दिया कि दिस इज़ बियर्स टेम जो ये लेवल है आप इसको देखोगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फेक आउट आता है क्योंकि हमने सिर्फ देखो यहाँ ये कैंडल देख के लोगों ने बाई किया एंड सी. अभी इसमें एक और चीज़ देख के आप सतर्क हो सकते हो. आपको ऐसे देखना है कि दिस इज़ बियर्स बिग कैंडल. ये एक फ्लैग बन रहा है बस एक साइडवेज में. तो ये मोस्ट ऑफ द देर इज़ ए हाई चांस दिस इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन. नाउ इसमें भी एक और चीज़ मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ विच इज़ एंकर्ड बी वैप. इट हेल्प्स मी अलॉट. जैसे यहाँ से बियर्स ने कंट्रोल लिया तो इफ यू विल प्लॉट दिस तो आप देखोगे कि ये एंकर बी वैप के कैसे नीचे प्राइस कॉन्स्टेंटली टेस्ट करके नीचे आ रहा है. तो दिस इज़ एंकर. अब दूसरा एंकर अगर आप लोगे कि If this is the anchor, let's see how price is behaving. तो यहाँ पे जैसे इस एंकर के जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो आप मतलब इसका तो खैर कोई सेंस बनता नहीं है बट फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज इसने फाइनली ऊपर तो था. आज इसने फाइनली उसको तोड़ा है. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है कि अभी आज एक्सपायरी डे था. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल अटेम्प्ट प्रीएम्प्ट ब्रेक डाउन कि अब ये ब्रेक डाउन दे देगा. मैं इन सबको क्लीन कर दूँ अगर. एंड इफ वी सी एंड ट्राई टू एंटिसिपेट द फर्दर मूव वी आर गोइंग टू से कि यार ये कल ब्रेक डाउन दे देगा. तो माय सजेशन इज ऑलवेज टू ट्रेडर कि डोंट प्रीएम्प्ट और डोंट सेल और बाय एट रेजिस्टेंस एंड डोंट सेल एट ब्रेक डाउन लेवल. यहाँ पे आप सेल करोगे जरा से भी गैप अप आएगा फंस जाओगे. तो यू शुड ऑलवेज वेट फॉर सम पुल बैक और लेट दिस ब्रेक टुमारो. द मोमेंट इट विल ब्रेक दिस लाइन देन वी आर गोइंग टू एंटर. पहला सपोर्ट क्या होगा? सी ऑलवेज इट इज़ वेरी हार्ड टू सेल इट सपोर्ट क्योंकि आपने यहाँ तो इमीडिएट आपका नेक्स्ट सपोर्ट ये है. वाई दिस विल बिकम a good support because this low has not been tested. So this low will be tested and the price will immediately go up and it will again. देखो ट्रेड तो इसका डाउनवर्ड ही है बट
here we are not that it's not that good risk reward trade. अभी अगर मेरे को ट्रेड लेना भी होगा तो वेयर आई विल टेक, अगर ये प्राइस मेरे को मिल जाए 776 पे बाय एनी चांस तो आई एम गोइंग टू सेल दिस फॉर द टारगेट ऑफ 752.